चलिए बच्चों, प्लेन मिरर की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम लोग आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। वो प्रॉपर्टीज ये है कि व्हेन टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, देन टोटल डेविएशन प्रोड्यूस बाय देम विल बी 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। मीन्स यदि दो प्लेन मिरर एक दूसरे से थीटा डिग्री पे झुका हुआ हो तो दोनों मिलाकर के जो एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस होगा वो 360 डिग्री माइनस 2 थीटा होगा। यही प्रॉपर्टीज है। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रूफ करते हैं प्लेन मिरर में। तो मैंने कहा कि दो प्लेन मिरर एक दूसरे से थीटा डिग्री पे झुका हुआ, तो ये रहा दो प्लेन मिरर जो एक दूसरे से थीटा डिग्री पे झुका हुआ है। हम लोग क्या करते हैं कि एक रे को इंसिडेंट करवाते हैं इस मिरर पे, और इंसिडेंट करवाने के साथ साथ ही इसको हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, और इंसिडेंट जो रे हो रहा है वो रिफ्लेक्ट भी होगा, तो रिफ्लेक्ट हुआ। और जब सेकेंड मिरर पे पड़ा तो ये फिर से रिफ्लेक्ट हुआ। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे दो बार क्या हो रहा है कि रे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल बना देते हैं। ये रहा नॉर्मल फर्स्ट प्लेन मिरर का, और ये रहा नॉर्मल सेकेंड प्लेन मिरर का। अब हम लोग एंगल भी देते हैं, मान लेते हैं कि इसका एंगल आई आई है, क्योंकि दोनों एक एंगल इक्वल होता है, तो आई आर दो या फिर आई आई दे एक ही बात है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये एंगल आई है, ये एंगल आई है। इसी तरह से यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि ये एंगल एक्स है और ये एंगल एक्स है। नाउ हम लोग जैसे कि पीछे पढ़ चुके हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन जो प्रोड्यूस होता है प्लेन मिरर में वो 180 डिग्री माइनस 2 आई या 2 आर होता है, ये आपने पहले पढ़ चुका है। बट वो कैसे होता है वो भी हमने देखा था, लेकिन एक बार और हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कहाँ से कहाँ तक है पहले इसको समझते हैं। तो जो इंसिडेंट रे है और उसे हम लोग आगे बढ़ा है, मीन्स ये रे, और जो रिफ्लेक्टेड रे है ये रे, इस दोनों के बीच के जो एंगल है ये एंगल जो कहलाएगा वो एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा फर्स्ट मिरर के लिए। सिमिलरली जो रे यहाँ पे आगे बढ़ाया गया है वो, और जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है वो, इस दोनों के बीच के जो एंगल होगा इसे हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे सेकेंड प्लेन मिरर का। अब फर्स्ट प्लेन मिरर के लिए हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन मान लेते हैं कि डेल वन है, और सेकेंड के लिए डेल टू है। ठीक। नाउ वन थिंग इज ऑल्सो हियर, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल को हम लोग मान लेते हैं कि ए बी सी है। ठीक। और पहले से एंगल यहाँ पे थीटा था, और ये एंगल हम लोग मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक वाई है। और एक बात और है, थोड़ा और पीछे हम लोग रिकॉल करें तो हम लोग ये जानते हैं कि प्लेन मिरर जो होता है उसके सरफेस रिफ्लेक्टेड रे, इस दोनों के बीच जो एंगल फॉर्म्ड होगा वो कहलाता है ग्लेंसिंग एंगल, और ग्लेंसिंग एंगल की वैल्यू होती है 90 डिग्री माइनस आई। ये रहा 90 डिग्री माइनस आई, ये हो गया। तो इस तरह से इस मिरर के अंदर जो एंगल बन रहा है वो क्या क्या बन रहा है, वाई थीटा 90 डिग्री माइनस आई बन रहा है। नाउ अगर हम लोग इस ट्रायंगल के अंदर के सभी एंगल का सम कर दें तो क्या होगा, 180 के बराबर होगा। तो वही हम लोग कर रहे हैं, वाई प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस आई इजक्वल टू 180 डिग्री, मैंने सिंपली सम किया है। इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम लोग वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस आई माइनस थीटा। ठीक। और हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है,
यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये प्लेन मिरर के सरफेस हैं और ये नॉर्मल है। तो प्लेन मिरर के सरफेस और नॉर्मल के बीच के एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का फॉर्म होता है। और यहाँ पे एंगल दो है, एक ये एक्स है और दूसरा वाई है। तो इट मीन्स एक्स प्लस वाई इजकल टू 90 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स प्लस वाई इजकल टू 90 डिग्री। तो एक्स प्लस वाई इजकल टू 90 डिग्री है। नाउ अब ऊपर की जो वाई की ये वैल्यू है उसे हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक, तो पुट करने पे हम लोग देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। तो एक्स के एक्स ही रह जाएगा और यहाँ पे ये पूरे वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्री प्लस आई माइनस थीटा और इक्वल टू में 90 डिग्री। इसे जब हम लोग सिंपलीफाई करते हैं तो पता चलता है कि एक्स इक्वल टू थीटा माइनस आई होगा। सिंपल सिंपलीफाई है, 90 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स इक्वल टू थीटा माइनस आई। इसे इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। नाउ अब थोड़ा सा रिकॉल करना होगा हमें कि हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है प्लेन मिरर में वो 180 डिग्री माइनस 2i या 2r होता है। तो फर्स्ट प्लेन मिरर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, तो फर्स्ट प्लेन मिरर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे होगा डेल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i, क्योंकि यहाँ पे i और r दोनों एक ही है, इसलिए यहाँ पे डेल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 2i या 2r। तो हम लोग डेल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i लिख देते हैं। ठीक, सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंड प्लेन मिरर के लिए बात करें, यहाँ पे i भी x है और r भी x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2x। ठीक, बिल्कुल। अब जरा इक्वेशन फर्स्ट हम लोग देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या यहाँ पे रखा है, इक्वेशन फर्स्ट में मैंने ये रखा है कि x इज इक्वल टू थीटा माइनस आई होगा। तो इस इक्वेशन का वैल्यू हम लोग यदि यहाँ पे पुट कर दे डेल 2 में तो x के जगह पे हो जाएगा थीटा माइनस आई, तो 2 इंटू थीटा माइनस आई होगा यहाँ पे। ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा प्लस 2i। अब कुछ नहीं करना है, डेल 1 और डेल 2 की जो वैल्यू है उसे ऐड कर देना है। तो हो जाएगा डेल 1 प्लस डेल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i प्लस 180 डिग्री माइनस 2 थीटा प्लस 2i। यहाँ 2i और 2i कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। तो ये प्रूफ हो गया। थैंक यू।